नमस्कार, मैं रजनीकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं SKH न्यूज। इस वक्त भदोही के औराई में मौजूद हैं, वही औराई विधानसभा में जिसके विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इस वक्त मैं NH-29 के नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ और आपको ये त्यूरी का मार्ग दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिलापट के विषय में बताता हूँ, जिस तरीके का लोकार्पण हुआ है आपको साफ दिखाता हूँ। विधानसभा क्षेत्र औराई के अंतर्गत GT रोड से त्यूरी तक का मार्ग, यानी कि रेलवे लाइन तक का मार्ग, विशेष मरम्मत का कार्य, लंबाई 800 मीटर जिसकी लागत 6,88,000 रुपया है। इसका शिलान्यास माननीय दीनानाथ भास्कर यानी भाजपा के मौजूदा विधायक ने शिलान्यास किया है, जो पूर्व मंत्री विधायक विधानसभा क्षेत्र औराई के कर कमलों द्वारा हुआ है। ये दिनांक 28 फरवरी 2021 को संपन्न हो गया, लेकिन 6 महीने के कार्यकाल में ये रोड आज कितना आवागमन है, किस तरीके से रोड पर सुचारू ढंग की व्यवस्था है, मैं आपको पल पल की रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। पहले मैं शिलापट पर एक बार फिर से आप सबकी नज़रें गड़ाना चाहता हूँ कि 800 मीटर की लंबाई की मरम्मत कार्य, जो कि 6,88,000 की लागत लगी है, और ये संपन्न 28 फरवरी 2021 को हुआ। आज की दिनांक की बात करें तो आज 20 सितंबर 2021 है। मैं आपको रोडों की हालचाल की व्यवस्था बताता हूँ कि रोड आज कितना कामदार है। मैं आपको उसी मार्ग पर लेके चलता हूँ और ये वही मार्ग है त्यूरी मार्ग, जो रेलवे लाइन का मरम्मत कार्य किया गया है, और ये 800 मीटर का मरम्मत कार्य है, जो कि सूबे में बैठे योगी सरकार भी दावा करती है कि गड्ढा मुक्त सड़क हो, लेकिन कितना गड्ढा मुक्त है। ये गाँव की सड़कें हैं, मैं नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गाँव की सड़कें हैं, और गाँव में हम आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 6 महीने में, मात्र 6 महीने में जो लागत लगी है, ये आप सीधा सीधा तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि ये गड्ढा मुक्त सड़क है, और इसका कितने में कार्य हुआ और कितने दिन बीत गए, ये पूरी कार्य रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरीके की पूरी नज़र जहाँ तक जाएगी इस रोड की हालत, आप देख सकते हैं कि मात्र 6 महीने की मरम्मत की रोड है, जो माननीय विधायक दीनानाथ भास्कर जी द्वारा इसको संपन्न कराया गया। इसकी लागत 6,88,000 रुपया था, यानी कि 6,88,000 रुपया में 800 मीटर का मरम्मत कार्य किया गया और ये 28 फरवरी 2021 तक संपन्न हुआ। लेकिन मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जिस तरीके से आवागमन है, यहाँ लोगों का जमजमाव है, यहाँ रोड जिस तरीके से चालू है, और इसकी आप सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ दरियल हिंदुस्तान के विपिन मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि लगातार सुर्खियों में हैं कि विधायक के विरोध में हैं। तो क्या विपिन मिश्रा जी, आप ये रोड जो बना हुआ है 6,88,000 रुपया में, और ये मात्र अभी 6 महीने हुए, जो कि 28 फरवरी 2021 को इसका संपन्न हुआ कार, इसका लंबाई लगभग बात करें तो 800 मीटर में 6,88,000 रुपया लगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे विपिन? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार है, और जैसा कि आपने अभी कहा कि विधायक के विरोध में है, मैं किसी विधायक का जनप्रतिनिधि के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर कार्य होता है और उनके कागज पे होता है और जमीन पे नहीं होता है, तो मैं उसका विरोध करूँगा, क्योंकि हमारी और आप सबकी भी दैनिक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो फिलहाल आप कह रहे हैं नहीं बना है, हमको तो लगता है बना था, लेकिन इस बारिश में लगता है बह हो गया है, रास्ता बना था बह गया होगा, क्योंकि बजट ज़्यादा तो आया, इतना सस्ता बन गया, हाँ, कि बजट नहीं था ना, 6,88,000 रुपया आया था। अब सोचिए कि यहाँ से लेकर के 800 मीटर बना है, तो इतना पैसा कम आया है, तो उसको बनाना पड़ेगा, अब बनवा दिए बारिश में, कम का मतलब नहीं समझा विपिन जी। अब भैया हो, उसमें कमीशन इनको भी चाहिए होगा, ठेकेदार को भी चाहिए होगा, मजदूर को चाहिए होगा, कैसे बांटेंगे? विपिन का साफ तौर से कहना है कि 6,88,000 रुपया था, जिसमें से कमीशन नहीं मिला होगा, यही आरोप हमारे विपिन जी लगा रहे हैं विधायक जी पे जी। हमको तो यही लगता है, क्योंकि जब पैसा आता है, आपकी शिलापट लगाना आप नहीं भूलते हैं, लेकिन सड़क बनाना या पुलिया बनाना आप लोग उसका पूरा कार्य पूरा करना भूल जाते हैं। सबसे तो कैसे क्या करना चाहिए विधानसभा में विधायक को, किस तरीके से करना चाहिए विधानसभा में विधायक को, किस तरीके से अपने विधानसभा में कार्य लेना चाहिए? देखिए, विधायक जी का तो जो कार्य है वो जनता देख ही रही है। फिलहाल यहाँ के जो विपक्षी प्रतिनिधि हैं, विपक्ष जो कह सकते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रही है, क्योंकि वो अगर विधायक कोई एंटी पार्टी का बन गया, तो भैया 4.5 साल
उसको बढ़िया से जो मनमानी लूटना हो जैसे लूटना हो लूट लेता है। इसके बाद जब चुनाव आता है तो बढ़िया बढ़िया होर्डिंग लगवा देते हैं, वो अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू होता है। लेकिन अगर वास्तव में जब काम हो विपक्ष वहाँ पे जाके प्रश्न करे कि पैसा कितना आ रहा है, आप कितना खर्च कर रहे हैं। चलिए मैं आपको ही विपक्ष मानता हूँ, लेकिन आप क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल यही है कि अगर आपने यहाँ पे पैसा निकाला है, 688,000 रुपया खर्च किया है और बनवाया है, इसका आप रिकॉर्ड दे दीजिए, सारा मैटर खत्म हो गया। चलिए विधायक जी से एक अनुरोध है कि इनको रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया जाए। भैया इनको 688,000 रुपया में संदेह है और इनका आरोप ये भी है कि 7 विधायक जी को कमीशन नहीं मिल पाया। देखिए मैं सुनता हूँ जी, पत्रकार महोदय ये संदेह वाली बात नहीं है जी। मैं जमीन पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जी, बिल्कुल मैं भी बैठता हूँ जी। अगर रोड बना होता ये गिट्टी आज की गिट्टी नहीं है, ये गिट्टी बहुत पुरानी है और बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 28 फरवरी 2021 को इसका शिलान्यास हुआ। इसका मतलब है कि संपन्न हुआ, हाँ है ना, तो ये रास्ता बहुत नया होना चाहिए। अगर ये नया है तो ये गिट्टी बताइए, ये है ना हमारे। मैं आपको और भी दर्शकों से थोड़ा सा अनुरोध करता हूँ कि पूरी तस्वीरें आगे तक की तस्वीरें दिखाएं, जिस तरीके से विपिन जी का आरोप रहा है। एक जगह का एक कंडीशन नहीं है, आप पूरा घूमिएगा तो आपको सब कुछ ऐसा ही दिखेगा। सीधा सीधा रास्ता बना ही नहीं है, पैसा जो है कि हमको लगता है गबन कर लिए है, सीधा सीधा जान लीजिए आप। चलिए पैसा गबन कर लिए सबसे बड़ा आरोप है, लेकिन मैं यहाँ के मौजूदा लोगों के भी बात करने के प्रयास करूंगा। इस वक्त हमारे साथ भाई लोग मौजूद हैं, तो जी जिस तरीके की रोड बनी है इसके आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। हाँ सर, रोड ही बनी नहीं है अभी तक, पैसा निकल गया है, रोड बना नहीं है। रोड यहाँ बना था या नहीं बना? नहीं बना है अभी। चलिए इनका भाई साहब का आरोप है कि यहाँ अभी रोड बना ही नहीं है। चलिए मैं और भाई लोगों से एक बार जानकारी लेता हूँ जी। 2021 में ये रोड बना नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसे ही सिलापट लगा दिया गया? ऐसे ही लगा दिया। सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण कि ये रोड बना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलापट यहाँ के रोडों पर लगा दिया गया और उसका बजट छाप दिया गया। ये बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन मैं और लोगों से भी जानकारी लेना चाहता हूँ। इसमें से जो यहाँ के नागरिक को चुनेंगे, हमारे पास का रहेगा, हमारे पड़ोस का रहेगा, तो हमारा दुख और दर्द सुनेगा। जब गाजीपुर के या बलिया के विधायक जी हो जाएं या वीरेंद्र सिंह मस्त हो जाएं, तो यहाँ क्या पड़ रहा है, किसको क्या दुख है, क्या सामना कर रहे हैं। हम तो पशु डॉक्टर हैं, गांव-गांव गली गली जाते हैं, धस जाती है गाड़ी। यहाँ के विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया है, और कभी किसी ने यहाँ जो खड़े हैं बताइए विधायक जी को देखा हो? हम तो देखे नहीं, खाली कभी नहीं आया। यहाँ की जनता मूड है, अगर ऐसे आदमी को चुनना तो बेकार है, सपा में हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में कोई भी हो। अगली बार किसको चुनेंगे? और बदल देंगे, दूसरा विधायक चुनेंगे, उनको नहीं चुनेंगे। रोड के विषय में आप? रोड के विषय में कुछ भी काम नहीं हुआ, मधुवाला थी नहीं कुछ की, कम से कम घर घर हैंडपम्प लगवा दी, हर जन के यहाँ शादी विवाह में गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी बात है या विवाह है।